नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, RCFL की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली है मैनेजमेंट ट्रेनी का। तो आप लोग देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है आप लोग इसके रिगार्डिंग जो है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हो। इसमें देखिए आपको जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर में, तो पहला आपका यहाँ पर है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल का। तो इनके लिए जो है टोटल आपको यहाँ पे 10 टोटल 10 वैकेंसी आपकी निकाली हुई है। फिर देखिए मैकेनिकल वालों के लिए जो है इनका यहाँ पे टोटल 6 है आपका। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है इसमें आपका यहाँ पे 3 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है आपका यहाँ पे 2 वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का, तो इनका जो यहाँ पे है टोटल 3 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसके अलावा जो है आपका लॉ HR इन सभी का निकाला गया हुआ आपका यहाँ पे। तो टोटल जो है आपका यहाँ पे कुल मिला के टोटल 28 वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि आपका दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पर आपका, तो इसके अंदर में दिया हुआ आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का, तो इसके अंदर में जो है दिया हुआ आपका कि BBTEC या फिर BSc आपका होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में आपका, तो जो है आप इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है मैकेनिकल वालों के लिए, तो इसमें जो आपका BBTEC या BSc होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो BBTEC या BSc आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में भी है तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए जो है BBTEC BSc आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जो है आपका इन सारे कॉम्बिनेशन में है तो भी जो है आप इसमें अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। फिर अगला देखिए यहाँ पर जो है अगला आपका जैसे दिया था आपका IT का, तो इसके अंदर में जो है यहाँ पे आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो आपका दिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसमें BBTEC आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, या फिर जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या MCA भी है तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो देखिए आपका जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग था आपका यहाँ पे, बाकी आप और का भी देख सकते हो। एज की देखिए बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एज जो आपका इन्होंने रखा हुआ है, तो मिनिमम जो आपका 18 ईयर्स है यहाँ पे, और मैक्सिमम जो एज है आपका जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे रखा हुआ है 25 ईयर्स का। और बाकी देखिए जो MBA जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए उनके लिए यहाँ पे 29 ईयर्स इन्होंने रखा हुआ है UR कैंडिडेट के लिए। और 60% मार्क्स जो है आपका एग्रीगेट आपका होना चाहिए BBTEC में, और ये जो है आपका दिया हुआ है इन सब के रिगार्डिंग। बाकी देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने देख ही लिया, इसके रिगार्डिंग जो है और भी डिटेल में आप पूरा देख सकते हैं इसके अंदर में, आपका पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। और परसेंटेज आपका कैसे होगा 60% कैलकुलेशन, तो यहाँ पे जो CGPA अगर आपका है तो इसमें से आपके पॉइंटर आते हैं जैसे आपका आपका 6.5 या 5.4, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको स्केलिंग करनी है तो कि आपका 60% आएगा, तो यहाँ पे सभी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। और बाकी देखिए कट ऑफ डेट भी इन्होंने दिया हुआ है कि आपका जो कट ऑफ डेट आपका जो भी रहेगा एज लिमिट या जो इसके भी चलते, तो आपका जो है 29/2/2024 तक आपका जो ये काउंटिंग किया जाएगा इस डेट को। और बाकी देखिए जो रिजर्वेशन जो कंसेशन रिलैक्सेशन दिया जाता है आपको एज लिमिट के अंदर में, तो जो ST SC ABC कैंडिडेट जो आते हैं यहाँ पे, तो उनके जैसे कि मिलता है उनको 3 साल का, और बाकी जो ST SC उनको 5 साल का मिलता है। तो आपका देखिए उस एज नॉर्म्स आपको उस तरीके से आपको तो यहाँ पे मिलेंगे ही एज लिमिट में, लेकिन यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे जो है दिया हुआ है इसके अंदर में दैट इज़ 25 ईयर्स मैक्सिमम है 18 ईयर्स है मिनिमम। और बाकी देखिए अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो ये जो है आपका 700 रुपीज़ इन्होंने रखा हुआ है अप्लीकेशन फ़ीस आपका इसके अंदर में, और आपको जो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी है। तो इसका देखिए डेट जो है आपका ये, तो ये 14/2/2024 यानी कि 14 फरवरी से आपका यह स्टार्ट आपका ये हो चुका है, और लास्ट डेट है इसकी 14/3/2024। आप लोग जो है 14 मार्च तक इसको अप्लाई आप लोग कर सकते हो। आपको जो है RCFL का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही जो है आपको करने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की देखिए बात करते हैं, तो ये जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, एग्जामिनेशन आपके होंगे CBT आपका एग्जामिनेशन होगा इसके अंदर में, इसी के बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन आगे किया जाएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पर जो है आपका टेस्ट आपके इन सभी जगहों पे होंगे, यहाँ पे जैसे सिटी का नाम आपका दिया हुआ है, तो इन सिटीज़ में आपका जो भी नियरेस्ट रहेगा आपको जो है उसके अंदर में आपको अप्लाई करना होगा, मतलब वहाँ से जो आप कर सकते हो आप लोग चूज़ कर सकते हो। और देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा तो इसमें 2 पार्ट आपके होंगे, एक आपका है डिसिप्लिन रिलेटेड, दूसरा आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड आपका रहेगा। देखिए जो मीडियम टेस्ट का रहेगा तो हिंदी इंग्लिश में आपका रहेगा, यहाँ पर ड्यूरेशन जो आपका 2 आवर्स का रहने वाला है यानी कि 120 मिनट्स का आपका ये रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपका दिया देखिए 150 आपका रहेगा, और इसमें से जो है आपका 1 मार्क्स का
हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें कि जो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे तो आपका जैसे कि मिक्स करिकुलम्स आपके रहेंगे, और ये जो है इसके अंदर में जो क्वालिफाइंग आपका जो भी डिग्री है उसी से आपका रिलेटेड जो है रहेगा। और बाकी देखिए जो 50 क्वेश्चन है आउट ऑफ 150 में 100 तो आपका जैसे टेक्निकल्स हो गया, जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है तो ये आपका देखिए जो कि आपका नॉन टेक है, जिसमें कि जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है या जनरल अवेयरनेस है, तो इन सब से जो है आपका पूछा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पे नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग इसमें जो है मैक्सिमम अटैम्प्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी देखिए जनरल नॉलेज और इंग्लिश का हमने जो है ऑलरेडी PDF भी इसका प्रोवाइड किया हुआ है RCFL के लिए, तो आप लोग उससे जो है अपना तैयारी इसका आप लोग कर सकते हो। तो देखिए पैटर्न के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया, फिर इसके बाद देखिए पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा इसके अंदर में, तो यहाँ पे जो है 1:8 का रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट को जैसे कि आगे के लिए बुलाया जाएगा उनको, तो आपको CBT के लिए क्वालिफाई करना होगा आपको, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम एवरेज 50% मार्क्स आपका आना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका ड्रॉ किया जाएगा आपका, यानी कैटेगरी वाइज आपका ड्रॉ किया जाएगा यहाँ पे। और ये जो है आपका देखिए दिया हुआ है कि आपका जो भी मार्क्स रहेगा रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा। तो वेटेज भी जैसे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि कैंडिडेट जैसे आउट ऑफ 100 जो आपका रहेगा रिटन टेस्ट में आपका, तो उसमें 80% प्रोरेटेड मार्क्स आपको इससे लिया जाएगा, और बाकी जो परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में आपका 20 मार्क्स वो आपका रहेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का उसका 80% है आपका वेटेज है, और पर्सनल इंटरव्यू का 20% है। तो कुल मिला के आपका जो 100% मतलब कि आपका दोनों से CBT और इंटरव्यू दोनों मिला के जो है आपके यहाँ पे मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप पूरा टोटल वैकेंसी आप देख भी सकते हो, यहाँ पे पूरा इन्होंने दिया भी है इसके रिगार्डिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी है आप लोग इसमें से देख लेना है। यहाँ पे डेट भी इन्होंने मेंशन करके आपका दे दिया है, यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन का जो है आपका इसमें 14 मार्च 2024 तक है, आप लोग इस डेट से पहले अप्लाई कर देना। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो हमने आपको बता दिया है, और भी कोई डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।